हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कच्ची कैरी का मुरब्बा। तो चलिए, मैंने लिए यहाँ पर 2 कच्ची कैरी। तो हमें इसका छिलका निकालना है, और छिलका निकालने के बाद इसे बीच में से कट करके इसमें जो बीज होता है वो निकाल लेंगे, और इसे करेंगे कद्दूकस। आप बड़े वाले ग्रेटर से या फिर छोटे वाले ग्रेटर से इसे कद्दूकस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ का दिया है, अगर आपके पास बड़ा वाला है तो बड़ा वाला भी ले सकते हैं। कद्दूकस करने के बाद इसे हमें एक कटोरी से मापना है। जितनी कटोरी हमारी कद्दूकस की हुई कैरी है उसी कटोरी से हमें गुड़ लेना है। जितनी कद्दूकस की हुई कैरी है उतना ही गुड़ चाहिए, कम या ज़्यादा ना ले। तो देखिए, हम पहले इसे करेंगे रोस्ट और बाद में डालेंगे गुड़, और गुड़ की अच्छे से चाशनी आने तक इसे पकाना है हमें। तो देखिए, गुड़ पिघलने लगा है, उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी इलायची पाउडर। इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। जैसे ये चाशनी गाढ़ी होने लगे, देखिए बिल्कुल इस तरह, तो हमारा आम का मुरब्बा तैयार है। इसी तरीके से चाशनी गाढ़ी होने लगे तब हमें गैस को बंद करना है, और हमारा आम का मुरब्बा है तैयार। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी नई रेसिपीज आपके मोबाइल पर आ जाएगी।